Subscribe my channel Education Zone by Ramashish Sir. अभी हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। इससे पहले हम आपको बतलाए थे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख ले, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस। देखिए पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। क्या होता है? भूत काल, ठीक है। देखिए इससे पहले टेंस का विवरण हम दिए थे, वहां पर समझाए भी थे टेंस के बारे में, तो आपको वहां समझाया गया है, इसलिए हम डायरेक्ट यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहले होता है इसका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का हम लोग रूल देखते हैं ऐसे। पहले इंडिफिनिट देखिए, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट मतलब होता है पास्ट इंडिफिनिट, यहां हम लोग देखेंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस किसे कहते हैं आपको हम बतला दे रहे हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ए, ई लगा हुआ रहे तो उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। याद रखेंगे इस चीज को। और अब देखिए सेंटेंस, जैसे सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव में हम लोग देख रहे हैं, इसका अफर्मेटिव में क्या होता है, अब हम लोग जैसे सीता घर गई, ठीक है। तो देखिए इसमें सीता जो है घर गई, जाने का काम हुआ, तो इससे साबित होता है जैसे गई या भी जा नहीं रही है, जाने का काम खत्म हो गया है, काम वह समय बीत गया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस में चार भाग होते हैं, इसके बारे में और हम समझाएंगे थोड़ा सा, और लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए तब बताएंगे। तो इसका अनुवाद हम क्या करेंगे, जैसे जाने के लिए हो गया काम, काम हो गया जाना, सीता गई, तो कौन गई, सीता सब्जेक्ट हो गया, कहाँ गई, घर, जिसका ट्रांसलेशन इस रूल से कीजिए स्पष्ट रूप से, सब्जेक्ट प्लस सॉरी सीता, जाना का अंग्रेजी हो जाता है गो, और गो का वर्ब टू क्या हो जाएगा, वेंट टू हाउस, इस तरह से। आप पुनः एक बार समझ लीजिए कैसे करते हैं इसको हम, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे अथवा या ए ई लगा हुआ रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल को देखिए, सीता घर गई या सीता घर जाती थी, दो तरह से हो सकता है, तो अनुवाद अंग्रेजी में एक ही तरह से होगा लेकिन सेंटेंस को आप दो तरह से लिख सकते हैं। आगे देखिए करना क्या है इसको, मैं इसका तो ट्रांसलेशन हो गया, और अब हम लोग इसी का निगेटिव देखिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे लेकिन सॉरी निगेटिव पढ़ने से पहले थोड़ा सा और इसमें देखते हैं। जैसे सीता घर गई हो गया, अगर यही रहे सेंटेंस कि सीता घर जाते रही, सीता घर जाते रही, तब आप अनुवाद कैसे करेंगे। देखिए काम इसमें कंटिन्यू हो रहा है लेकिन है पास्ट इंडिफिनिट, तो आपको करना क्या है, ऐसे सेंटेंस को इस रूल को आप माइंड में रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस केप्ट लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, केप्ट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूल से आप बना लेंगे इसको अनुवाद। कैसे करेंगे, जैसे सीता केप्ट कहां, सीता क्या करते रही, जा घर जाते रही, तो केप्ट वर्ब फॉर आ जाएगा गोइंग टू हाउस,
ठीक है। आगे देखो भाई, अब इसी में अभी हम लोग देखेंगे, अफर्मेटिव ही चल रहा है, तो सीता घर जाते रही। अब यही सेंटेंस को और आगे देखते हैं, जैसे मदन घर जाने लगा, ठीक है ना। तो अब कैसे बनाएंगे इसको, देखिए लगा लगी आ गया, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बिगन प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इस चीज को एकदम याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं, ठीक ना। क्या हो जाएगा, मदन बिगन टू गो टू हाउस, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं निगेटिव। तो चलिए आगे देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, किसका निगेटिव देख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग निगेटिव देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसका निगेटिव का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर जो है वर्ब की लफड़ा नहीं है, अफर्मेटिव में क्या था कि वर्ब टू लगाना था, यहां पर आपको डिड से हो जाएगा, क्या से हो जाएगा, डिड से। देखिए बहुत सिंपल है ये, जैसे हम लोग घर नहीं गए, बहुत आसान तरीका से आप समझ जाएंगे कैसे बनेगा। ज्यादा बनाने के बारे में आपको हम पहले बतलाए हैं, अंत में जाकर देखिए क्या काम हो रहा है, क्या काम है, गए जाना, तो हो जाएगा वर्ब। कौन गए, कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, तो हम लोग, कहां लगाकर प्रश्न कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से करके प्रश्न पूछ लेना है और उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तलाश लेना है। अब आगे देखिए, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सेंटेंस को बैठा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए करते क्या है इसको हम, क्या हो जाएगा, वी डिड नोट गो टू हाउस, डिड नोट गो टू हाउस, इस तरह से। ए निगेटिव हो गया भाई, इससे जितने भी सेंटेंस आप अधिक से अधिक सेंटेंस को बनाकर आप सोचिए और ट्रांसलेशन कीजिए, तब जाकर आपको अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाने आएगा, ठीक है। आगे देखो, अब आते हैं कंटिन्यूअस में, सॉरी स्टॉप करो तो इसको, हाँ। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। निगेटिव में कोई ज्यादा नहीं था, निगेटिव में कुछ नहीं था, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, अब देखिए हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक। तो इसमें प्रश्नवाचक में दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन हम लोग को पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको लिखा हुआ है, आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इसका सही उच्चारण नहीं होता है, क्या होता है, क्वेश्चन, क्या बोलेंगे,
क्वेश्चन, चलिए यस लो क्वेश्चन हो गया, और दूसरा का कौन होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो हम इसमें देखते हैं यस नो में, जैसे क्या आप घर गए, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इसके लिए सूत्र अलग से नहीं बनाना है, क्या करना है, डू सॉरी डिड जो लगाए थे हम वहां पर निगेटिव में, उसी डिड को यहां पर शुरुआत में कर देना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा डिड यू गो टू हाउस, इस तरह से। अब क्वेश्चन इसमें देखिए डब्ल्यू एच वाला में, तो डब्ल्यू एच वाला में होता है क्या है कि डब्ल्यू एच वर्ड्स जो है बीच में आते हैं, जैसे आप कहां गए, आप कहां गए, ठीक है ना। देखिए कहां शब्द आया है बीच में, तो इसको से घबराना नहीं है, आपको करना क्या है कि इसको सबसे पहले क्या हो जाएगा वेयर, इसके बाद डिड लगाइए, डिड इसमें जो रूल में था, इस रूल में डिड में बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ इससे पहले जो है डिड के पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स आ जाएंगे, तो वेयर डिड यू गो, इस तरह से बन जाएंगे। इसका रूल हम बना देते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस क्या हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह से बन जाएंगे। एक एक एग्जांपल हम आपको बतलाते चल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बतलाएंगे नहीं तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए आपको खुद से जैसे एक एग्जांपल हम बता दिए, एक यहाँ बता दिए, तो इससे रिलेटेड आपको तमाम सेंटेंस को सोच करके अनुवाद कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का होता है पहचान, इसमें क्या हो जाएगा रहा था रही थी रहे थे, आपको पूरा हम नहीं लिखेंगे यहां पर, हम आपको मात्र संक्षेप में बताएंगे, तो आपको बाकी सारा चीज को याद करना है। रहा था रही थी रहे थे, लगा हुआ रहे कहां लगा हुआ रहेगा, देखिए बताना है आपको, जैसे सेंटेंस है तो जैसे मोहन घर जा रहा है, मोहन घर जा रहा था आएगा इसमें, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था रही थी रहे थे लगा हुआ रहे, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, याद रखेंगे इस चीज को, आपको याद रखना है। अब एग्जांपल से देखिए, पहले अफर्मेटिव में आइए, इसका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या करेंगे, जैसे सीता आम खा रही थी, क्या हो जाएगा सीता वाज ईटिंग मैंगो, इस तरह से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में जाकर के ऑल को क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इसका निगेटिव देखिए, जैसे हम लोग घर नहीं जा रहे थे, क्या हो जाएगा वी आर नोट सॉरी क्या हो जाएगा थे है ना, तो वेयर वी वेयर नोट गोइंग टू हाउस,
देखिए अब हम लोग अभी पास्ट कंटिन्यूअस देख रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव देखे, निगेटिव देख लिए, अब हम लोग देखते हैं उसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में होता क्या है देखिए, तो डायरेक्ट हम रूल लिखेंगे इसका, यस नो क्वेश्चन बता दिए हैं और डब्ल्यू एच क्वेश्चन बताए हैं, तो यस नो देखिए इसमें होगा क्या, यहां लिखते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो और यहां हो जाएगा यस नो क्वेश्चन, तो यस नो वाला में क्या हो जाएगा, क्या शुरुआत में आता है, क्या आप घर जा रहे थे, क्वेश्चन मार्क आएगा, और इसमें आएगा कि आप क्यों घर जा रहे थे। देखिए करना क्या है इसमें, क्या का अंग्रेजी अलग से नहीं लगाना है आपको, क्या के अंग्रेजी लगाने के लिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगा इजेमआर उसी चीज को आगे कर देना है। चलिए देखिए अभी हम सीख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, तो इंट्रोगेटिव में दो भाग होते हैं, कौन कौन से, यस नो और डब्ल्यू एच। बहुत आसान तरीका से आप समझ जाएंगे जब आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तब। देखिए यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन क्या है भाई, यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं, जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में न मिले उसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अच्छा डब्ल्यू एच की बात आती है तो डब्ल्यू एच किसे कहते हैं, जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिलना संभव न हो उसे हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहेंगे, ठीक है। देखिए इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, तो इसको में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसको शुरुआत में कर देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को ले लाइए, जे मारना करके क्या हो जाएगा, वाज और वेयर, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देंगे आप, क्या हो जाएगा वाज और वेयर, तो इसमें भी वही हाल होगा, व्हाई वेयर यू क्या चीज गोइंग टू हाउस, इस तरह से। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट का पहचान होता है जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या ए या था, ये थी, लगा हुआ रहेगा, इस तरह से तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब देखिए इसका हो जाता है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड आता है और वर्ब थ्री, यहां पर वर्ब थ्री आएगा, जैसे आप ने दिल्ली गए थे, आपने दिल्ली गए थे, ए थी या गए ऐसे भी हो सकता है, सॉरी ऐसे नहीं हो, आपने दिल्ली गए थे ऐसे भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू हैड गॉन टू दिल्ली, इस तरह से होगा। आगे देखो भाई निगेटिव, निगेटिव में क्या होता है, हैड के बाद नोट लग जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, अमर घर जा चुका था,
यहाँ पर नहीं शब्द नहीं आया है, अमर घर नहीं गया था, ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर हैड नॉट गॉन टू हाउस, इस तरह से।